छिंदवाड़ा में आज महिलाओं का यही नारा था कि हम महिलाओं का अपमान नहीं सहेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के बारे में जो ईडी की और भी एजेंसी की जांच समिति बार बार परेशान कर रही है, इसी को लेकर आज कांग्रेस ने महामहिम राज्यपाल के नाम कलेक्ट्रेट में जाकर सौंपा ज्ञापन। सोनिया गांधी के ऊपर बार बार जांच बिठाने के बारे में कांग्रेस के हर वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ताओं ने घोर विरोध करते हुए कहा कि हम यह कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर बार बार जांच एजेंसी दबाव डाले और उनको परेशान कर। जिलाध्यक्ष महिला कांग्रेस की किरण चौधरी ने भी मोदी को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा महिलाओं का अपमान करती है, लेकिन हम यह बर्दाश्त नहीं करेंगे। ज्ञापन देते हुए पूर्व जिलाध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी, जिलाध्यक्ष विश्वनाथ ओके, शहर कांग्रेस अध्यक्ष पंकज शुक्ला, कार्यवाहक अध्यक्ष पप्पू यादव, महिला शहर कांग्रेस अध्यक्ष सागर बोथरा, सोनू मागो, चंद्रभान देबरी, झुग्गी झोंपड़ी अध्यक्ष फिरोज खान और कांग्रेस के विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। छिंदवाड़ा से जिला ब्यूरो उषा राउत की रिपोर्ट। गांधी के ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं, गलत तरीके से एक महिला का अपमान किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ महिलाओं का हमेशा अपमान किया है और ये मात्र शक्तियाँ उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। आज हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपमान हुआ है, कल हमारी और महिलाओं का अपमान होगा। हम इसका विरोध करते रहेंगे जब तक ये भाजपा के लोग सुधरेंगे। सम्मानी सोनिया गांधी जी पर बदल की कार्रवाई के रूप में ईडी, आईबी और अन्य प्रकार से जो आज जाँच एजेंसियाँ भारतीय जनता पार्टी के निकम में मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी पूरी टीम के द्वारा जिस प्रकार बदले की कार्रवाई की जा रही है, कल ही उनके साथ पूछताछ कर लंबे समय से दो बार तीन बार हुआ, यह एक नारी शक्ति का एक अपमान है। और निश्चित रूप से हमारे साथ आज हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष तिवारी जी, हमारे शहर के अध्यक्ष पंकज शुक्ला जी, हमारे वरिष्ठ नेता अनंत बख्शी जी, महिला कांग्रेस की अध्यक्ष जी सहित उपस्थित युवा कांग्रेस सहित हमारे नवनिर्वाचित पार्षदगण उपस्थित सभी ने आज पूरे जिले की जनता ने इस कार्रवाई को लेकर भारी आक्रोश व्यक्त किया है। मैं आप सब मीडिया के साथियों से कहना चाहता हूँ कि हमारा जो ज्ञापन गया है यह आपके माध्यम से, आप प्रिंट मीडिया के माध्यम से, लिखित वाले मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से यह सबके पास जाए और जनता को समझ आए कि किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी दमनकारी नीति के माध्यम से कांग्रेस को कुचलना चाहती है। हम सब अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए कहना चाहते हैं कि कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। यदि सोनिया जी के साथ इस प्रकार चलता रहा तो कांग्रेस जन छिंदवाड़ा में एकजुट होकर भारी प्रदर्शन करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को नुक्की हिला देंगे। जिस प्रकार अभी हमने पूरी जनता ने हमको जिस प्रकार आशीर्वाद दिया इस नगर निकाय चुनाव में, ग्रामीण चुनाव में, यह जनता का स्पष्ट संकेत है। नारी का सम्मान करेगा, वही देश में राज करेगा। ये सब हम कांग्रेस जन सोनिया गांधी जी को जो अपमानित प्रताड़ित किया जा रहा उससे आज बहुत आहत है। माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी का जिला, हमारे विश्वनाथ ओपटे जी, गंगा प्रसाद तिवारी जी, पंकज शुक्ला जी और समस्त कांग्रेस जन, हमारी महिला कांग्रेस की अध्यक्ष किरण चौधरी जी सहित हम सब यहाँ आक्रोश पार्षद, हमारे नव निर्वाचित सभी पदाधिकारीगण, युवक कांग्रेस, एनएसयूआई, सेवा दल और हमारे सभी पदाधिकारीगण बहुत आक्रोशित हैं। ये बदले की कार्रवाइयाँ बंद होनी चाहिए और देश में जो राजनीति का स्तर गिर रहा है, जो लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है कि अब सरकारी संस्थाओं का इस्तेमाल राजनीतिकों पर दबाव डालने के लिए हो रहा है, ये बहुत ही शोभ का विषय है और शोभ के अलावा बहुत राष्ट्रीय शर्म का विषय ही है कि एक नारी को इस ढंग से आप प्रताड़ित कर रहे हो। हमारी महिला शक्ति ने अभी नारा दिया है कि नारी का जो सम्मान करेगा वही देश में राज करेगा। हम सब अपना आक्रोश भी व्यक्त कर रहे हैं और आपसे अपेक्षा करते हैं कि इसको राज्यपाल तक पहुंचाएं। ओछी हरकतें आज हम सभी यहाँ कांग्रेस परिवार के सदस्यगण, हमारे जिला कांग्रेस के अध्यक्ष जी, हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष जी, हमारे शहर कांग्रेस के समस्त पदाधिकारीगण, हमारे नवनिर्वाचित पार्षदगण सभी बड़े आक्रोश के साथ आज ये महामहिम राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन यहाँ प्रेषित करने आए हैं। बड़े दुख की बात है, ये मातृशक्ति की बात करने वाले लोग, ये बालिकाओं की बात करने वाले लोग किस तरह से शासकीय एजेंसी का दुरुपयोग करके